षष्ठीला एकादशी 28 जनवरी 2022। आलेख आचार्य पंडित विनोद शुक्ल काशी, स्वर आचार्य प्रमोद चौबे। षष्ठीला एकादशी 6 तिलों वाली एकादशी 28 जनवरी 2022 को माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ रही है। इसी एकादशी को षष्ठीला एकादशी कहते हैं। इस बार यह शुभ तिथि 28 जनवरी दिन शुक्रवार को है। पुराणों में षष्ठीला एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन उपवास करके विधि विधान से पूजा करने, दान और तर्पण करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार षष्ठीला अर्थात तिलों के 6 प्रकार के प्रयोग से युक्त एकादशी। इस एकादशी के दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तिलों का इस तरह प्रयोग करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत करने से वाचिक, मानसिक और शारीरिक 3 तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। तिल का 6 तरह से कैसे करें प्रयोग। व्रत रखने के अलावा सभी लोग इस दिन तिल का 6 तरीकों से प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तिल का प्रयोग, तिल मिश्रित जल से स्नान। इस दिन सबसे पहले स्नान करने वाले जल में तिल मिला ले और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए स्नान करें। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें। ऐसा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। दूसरा, तिल के तेल से मालिश। षष्ठीला एकादशी के दिन व्रत करने वाले और नव व्रत रखने वाले सभी को तिलों के तेल से मालिश करना चाहिए। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, सर्दी के विकार दूर होते हैं। आयुर्वेद में भी तिल के तेल से मालिश करने के कई फायदे बताए गए हैं। त्वचा रोग और थकावट आदि समेत कई तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तीसरा, तिल का हवन। एकादशी के दिन सभी को 5 मुट्ठी तिल से हवन अवश्य करना चाहिए। हवन करने से पहले गाय के घी में तिलों को मिला लें और फिर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए हवन कर सकते हैं। आप कनकधारा स्त्रोत या श्री सूक्त का जप करते हुए हवन कर सकते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और दरिद्रता का नाश होता है। चौथा, तिल वाले पानी का सेवन। एकादशी के दिन हर किसी को तिल वाले पानी का सेवन करना चाहिए। आप पीने वाले पानी में तिल मिला लें, उसे पूरे दिन पीते रहें। ऐसा करने से कई रोग दूर होते हैं। आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को तिलों का तर्पण भी कर सकते हैं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। पांचवा, तिल का दान। एकादशी के दिन तिलों का दान करने का विशेष महत्व पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जो भी व्यक्ति तिलों का दान करता है उसे नरक के दर्शन नहीं करने पड़ते। इसीलिए व्रती माघ माह की एकादशी के दिन ऋषि मुनि और गरीबों को तिल का दान करते हैं। एकादशी के दिन जितने तिलों का दान किया जाता है उतने ही पाप नष्ट हो जाते हैं, उतने ही सालों के लिए स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होता है। छठा, तिल से बने पदार्थ का सेवन। एकादशी के दिन व्रत रखने वाले और न रखने वाले सभी को तिल से बने पदार्थ का सेवन करना चाहिए। इस दिन सायंकाल के समय तिलयुक्त भोजन बनाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं, गरीब और जरूरतमंद को भी भोजन कराएं, व्रती को भी तिलयुक्त फलाहार करना चाहिए। ऐसा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आलेख आचार्य पंडित विनोद कुमार शुक्ल काशी, स्वर आचार्य प्रमोद चौबे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।